नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स आ गया है। वहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी इन दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सोनाक्षी दिहाड़ी मजदूरों को राशन प्रदान करने के लिए अपने आर्ट वर्क और पेंटिंग्स की नीलामी कर रही। दरअसल हाल ही में सोनाक्षी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सोनाक्षी ने कहा, अगर हम दूसरों के काम नहीं आ सकते तो हम क्या अच्छे हैं? मेरी कला मेरे लिए सुरक्षित जगह है। ये मुझे अपने विचारों को चैनलाइज करने में मदद करता है और मुझे खुशी देता है। कला मेरे लिए शांति और राहत की भावना लाती है। राहत वो है जो मैं उन लोगों के लिए लाना चाहती हूँ जिनके लिए ये लॉकडाउन एक बुरे सपने की तरह है। जिन लोगों के पास कोई इनकम नहीं है और वो खुद का और अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है, ये है दिहाड़ी मजदूर। सोनाक्षी ने आगे कहा, मैंने अपनी पेंटिंग्स और दूसरे आर्टवर्क को नीलाम करने का फैसला किया जिन्हें मैंने अपने पूरे दिल से बनाया। नीलामी से मिलने वाले पैसे से दिहाड़ी मजदूर को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्लीज मेरी आर्ट की अच्छे से देखभाल करना, इन्हें मैंने प्यार से बनाया। बता दें कि सोनाक्षी की ये पहल लोगों को काफी पसंद आ रही। मजदूरों की मदद के लिए उन्होंने फैनकाइंड नाम की एक संस्था के साथ हाथ मिलाया। सोनाक्षी ने अपनी इस पहल का नाम बिट फॉर गुड रखा है। इस नीलामी का सारा पैसा मजदूरों को राशन मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी फैनकाइंड के साथ मिलकर वर्चुअल कॉफी डेट के जरिए पैसे जुटाकर जरूरतमंदों की मदद की। इसके अलावा उर्वशी रौटेला ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए डोनेट किए थे।